प्लास्टिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया सा टॉपिक। टॉपिक का नाम है ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। तो आज हम जानेंगे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। व्हाई ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर, हमें ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको एक्सट्रूडर क्या होता है और सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर क्या होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि जब बैरल के अंदर दो स्क्रू एक साथ रोटेट होते हैं, एक साथ यूज किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। ठीक है, ट्विन मतलब दो स्क्रू वाला एक्सट्रूडर। तो क्यों यूज करते हैं? पहला तो जब मटेरियल इसमें डालते हैं तो उसको फोर्स फीडिंग के लिए, मतलब वो फोर्सली ये अंदर फीड हो, उसके लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है इसका, अगर लो स्क्रू का स्पीड कम भी रहता है तो इसका आउटपुट बहुत ज्यादा हमें मिलता है, मतलब कि हाई आउटपुट एट लो स्क्रू स्पीड। ठीक है, तीसरा होता है ये स्क्रू से क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो काफी ज्यादा जनरेट होता है, कम स्पीड पे भी ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि हमारा आउटपुट बढ़ जाता है। तो अभी एक पॉइंट है हाई प्रेशर बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्क्रू, उसके चलते भी हम यूज करते हैं। और चौथा है लो शियर रेट इन मेल्ट, मेल्ट में जो शियर रेट होता है, शियरिंग जो होता है उसका, हिट शियरिंग वो कम होता है जिससे कि मटेरियल मेरा डिग्रेडेड नहीं करता है। तो ये मेनली बेनिफिट से हमें ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर यूज करने का, हम क्यों करते हैं उसका ये रीजन है। अब देखिए यहाँ इसका कैसे कैसे नॉमिनिक्लेचर कैसे किया गया है। ये डिगेजिंग जोन है, ये पंप जोन है, मिक्सिंग एलिमेंट यहाँ जो है ये देख रहे हैं एलिमेंट जो भी इसमें हम मटेरियल डालते हैं यहाँ मिक्सिंग होता है। सेकंड कंप्रेशन जोन, मैंने आपके जोन के बारे में बताया था, कंप्रेशन जोन, मीटरिंग जोन, फीड जोन। तो ये फीड जोन हो गया, कंप्रेशन जोन और मीटरिंग जोन, तो ये हो गया सेकंड कंप्रेशन जोन। पावर लॉक, फर्स्ट कंप्रेशन जोन, पावर एंट्रेंस जोन, फर्स्ट पंप जोन, ये सारे स्क्रू का अलग अलग नॉमिनिक जगह का अलग अलग नाम दिया जाता है। तो यह नॉमिनिक्लेचर किया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें ट्विन स्क्रू जो एक्सट्रूडर होता है वो स्क्रू उसमें रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो बैरल के अंदर ही दोनों स्क्रू एक साथ रोटेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है इंटरमेसिंग टाइप का जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और इसमें अलग अलग तरह के हमें डिजाइन भी मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ तीन टाइप के डिजाइन है, एक यहाँ डिजाइन है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। तो तीन टाइप के हमें जिस टाइप का डिजाइन चाहिए स्क्रू का वैसा डिजाइन हमें मिलता है। ठीक है, अब इसका बेसिक क्या होता है, दो टाइप का इसमें रोटेशन होता है। जब दो स्क्रू है तो एक होता है को रोटेटिंग और एक होता है काउंटर रोटेटिंग, मतलब को रोटेशन और काउंटर रोटेशन, दो तरह से रोटेशन होता है स्क्रू का। जब दोनों स्क्रू सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो को रोटेशन हो गया, मतलब एक साथ रोटेट कर रहा है, और काउंटर मतलब वो क्या, एक दूसरे दिशा में, एक क्लॉकवाइज करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो वो रोटेशन को बोलते हैं काउंटर रोटेशन। एक दूसरे के अपोजिट रोटेशन में जब करेगा तो वो काउंटर रोटेशन हो गया। ठीक है, मेनली ये हमें मास्टर बैच और कलर कंसंट्रेटर्स जो होते हैं, जो कि मतलब कलर मिक्सिंग मशीन के लिए हम यूज करते हैं ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। ठीक है, जब पीवीसी का जब हम मिक्सिंग या कंपाउंडिंग करते हैं थर्मोप्लास्टिक पीवीसी को छोड़ के, ठीक है, पीवीसी को छोड़ के बाकी जो भी मटेरियल का हम क्या करते हैं कंपाउंडिग करते हैं, तो उसमें को रोटेटिंग ट्विन स्क्रू यूज करते हैं। एक ही डायरेक्शन में जब रोटेट होता है वो को रोटेटिंग, तो पीवीसी को छोड़ के बाकी कोई भी मटेरियल अगर हम यूज करते हैं तो को रोटेटिंग करते हैं। लेकिन जब हम पीवीसी करते हैं तो मेनली हम काउंटर रोटेटिंग ही करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है उसका कंपाउंडिंग बेटर होता है। ठीक है, अब देखेंगे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर सो द टू स्क्रू अरेंजमेंट्स। ठीक है, टू स्क्रू का अरेंजमेंट कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्क्रू रोटेशन ये सेम डायरेक्शन में करे, क्लॉकवाइज दोनों करे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज करे तो वो को रोटेटिंग हो गया, और दोनों अपोजिट में एक क्लॉक में एक एंटी क्लॉक में करे तो वो काउंटर रोटेटिंग हो गया। ठीक है, और जो दोनों स्क्रू के बीच का जो गैप होता है, देखिए मटेरियल यहीं से फ्लो होता है, यहाँ आता है फिर ऐसे जाके फिर यहाँ आता है, ऐसे जो बीच का ये जो गैप है ना इसके थ्रू मटेरियल आगे हमारा फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अब स्क्रू का जो प्रेशर होता है वो कैसे जनरेट करता है स्क्रू प्रेशर मटेरियल के अंदर, बैरल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको कैसे प्रेशर जनरेट करता है वो देखिए यहाँ देख रहे हैं। जितना कम गैप रहेगा ना ये, ठीक है, उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, और जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना कम प्रेशर जनरेट होगा। तो यही सिस्टम है प्रेशर जनरेशन का। अब डिफरेंस देखिए, मेनली कंपेयर जब करते हैं को रोटेटिंग और काउंटर रोटेटिंग में तो क्या क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। को रोटेटिंग में दोनों स्क्रू जो होता है वो क्लॉकवाइज में भी करता है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक ही रोटेशन में करता है, या क्लॉकवाइज में करे दोनों एक साथ या
एंटी क्लॉकवाइज में करें। लेकिन काउंटर में मैंने आपको बताया अभी कि एक अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, रोटेट करता है। एक काउंटर में करेगा तो दूसरा, सॉरी, एक क्लॉकवाइज में करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, सेल्फ वाइपिंग के लिए बढ़िया होता है, और सेल्फ वाइपिंग जो होता है कोरोटेटिंग का, वो बढ़िया होता है स्क्रू का। लेकिन ये काउंटर रोटेटिंग में जो होता है उसका सेल्फ वाइपिंग जो होता है वो मतलब कि अच्छा नहीं होता है, अगर हम कंपेयर करें कोरोटेटिंग में तो, ठीक है। मटेरियल का जो स्टेग्नेशन होता है वो कम होता है लाइक मतलब कोरोटेटिंग में, और काउंटर रोटेटिंग में जो स्टेग्नेशन होता है वो ज़्यादा होता है। कोरोटेटिंग का जो मिक्सिंग है वो बढ़िया होता है, लेकिन काउंटर रोटेटिंग में जो मिक्सिंग है वो कोरोटेटिंग से थोड़ा कम होता है। कोरोटेटिंग में जो शियर है वो ज़्यादा होता है, लेकिन काउंटर रोटेटिंग में जो शियर है कंपेयर करें कोरोटेटिंग से तो वो, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और कोरोटेटिंग से कंपेयर करते हैं तो वो कम होता है उसके रेस्पेक्ट में। कोरोटेटिंग जो है वो मोस्टली थर्मोप्लास्टिक के कंपाउंडिंग में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन काउंटर रोटेटिंग जो है वो मेनली हम पीवीसी कंपाउंडिंग के लिए ही यूज करते हैं। कोरोटेटिंग में जो पंपिंग का होता है पोजीशन वो पॉजिटिव होता है, और काउंटर में भी पॉजिटिव पंपिंग होता है, दोनों में मतलब लगभग सेम पंपिंग होता है। ये सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर जो होता है उससे थोड़ा कम पावर कंज्यूम करता है कोरोटेटिंग में, और ये है काउंटर रोटेटिंग भी सेम है, दोनों मतलब अगर ट्विन स्क्रू हम करते हैं तो वो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर से कम ही पावर लेता है, लेकिन ये ज़्यादा काम कर देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन क्या क्या होता है एक्सट्रूजन प्रोसेस का। तो पहला है फिल्म, हम एक्सट्रूजन प्रोसेस से फिल्म बनाते हैं, ठीक है। फिल्म जैसे कि पैकेजिंग में जो भी प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसको फिल्म बोलते हैं। तो इसमें तीन चार टाइप का होता है, ब्लॉन फिल्म, कास्ट फिल्म, को एक्सट्रूजन फिल्म, BOF, ठीक है। तो हम मटेरियल कौन सा यूज करते हैं फिल्म बनाने के लिए, वो PP करते हैं, PVC करते हैं, LDPE करते हैं, HDPE करते हैं, पेट करते हैं, नाइलॉन करते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल हम फिल्म बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन है पाइप या ट्यूब। तो पाइप या ट्यूब मेनली हम HDPE, LDPE, LLDPE और PVC, जनरली जो पाइप या ट्यूब हमें देखने को मिलता है ये चार मटेरियल का रहता है, PE और PVC, ठीक है। PE में ये तीन प्रकार हो गया। तो ये देख रहे हैं जैसा कि आप सबने देखा होगा, ये पाइप या ट्यूब भी बनाते हैं हम एक्सट्रूजन प्रोसेस से। तीसरा है सीट, हम एक्सट्रूजन से सीट भी बनाते हैं। सीट कौन से मटेरियल का बनता है, वो HDPE का बनता है, ABS का बनता है, HIPS का, PC का, उसके बाद PET का बनता है, पेट का, तो बहुत सारे मटेरियल का हम सीट बना सकते हैं। उसके बाद मोनोफिलामेंट, ये पतला पतला जो धागा होता है रस्सी में, जो स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, वो सारे बनते हैं PP ये नाइलॉन के बनते हैं, ठीक है। मोनोफिलामेंट भी एक एक्सट्रूजन प्रोसेस का एप्लीकेशन ही है। एक्सट्रूजन कोटिंग या लेमिनेशन जो करते हैं वो कोटिंग क्या होता है, कोटेड प्लेइंग कार्ड, रैपिंग द LDPE लेमिनेशन, ओवन सेट। मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं, LDPE, HDPE या PP, ये तीन मटेरियल हम लेमिनेशन या कोटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कागज के ऊपर एक प्लास्टिक का पतला फिल्म रहता है, ये कूट का डब्बा जो रहता है इसके ऊपर एक प्लास्टिक का पतला फिल्म रहता है, उसको कोटिंग बोलते हैं, लेमिनेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हम एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज करते हैं, मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, PE या PP। उसके बाद है बॉक्स स्ट्रैपिंग, ये स्ट्रैप बॉक्स जो पैक करते हैं, तो ऐसा ऐसा आपने रस्सी देखा होगा, ये स्ट्रैप, ये भी एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनता है, ये PP का या HDPE का बना होता है, ठीक है। उसके बाद है टेप या ओवन सैक, ओवन सैक मतलब ये प्लास्टिक का बोरा कट्टा जिसको बोलते हैं वो होता है, और ये टेप होता है, टेप तो आपने देखा होगा, ये सारे PE के होते हैं या HDPE के या PP के बने होते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रूजन प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं। वायर कोटिंग या कवरिंग, ये वायर के ऊपर, ये देखिए ये कोटिंग हो गया और ये कवरिंग हो गया, ठीक है, ये भी एक्सट्रूजन प्रोसेस का ही एक एग्जाम्पल है। मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, LDPE, PVC प्राइमरी इंसुलेशन, और नाइलॉन सेकेंडरी के लिए। प्राइमरी के लिए जैसे किसी पे दो तीन इंसुलेशन होता है तो प्राइमरी में PVC और सेकेंडरी में नाइलॉन यूज करते हैं, ठीक है। प्रोफाइल डोर एंड विंडो, आपने देखा होगा डोर या विंडो में ऐसा ऐसा लगा रहता है जो कवर ऊपर से, इसको प्रोफाइल बोलते हैं, ये PVC से बनाया जाता है, ये भी एक्सट्रूजन प्रोसेस का एक एग्जांपल है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके। तब तक कि चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बने रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।